हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। मैं माइके चली जाऊंगी जो सोनी पर आता है, उसका ये मैंने पहला पार्ट आपको दिखाया था। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ये उस सेट का एक्सटीरियर पार्ट है जहाँ पर वो मोहल्ला दिखाया गया है, तो उसमें मंदिर का छोटा सा है, फिर ये वहाँ से जो एंट्री गेट है उस कॉलोनी का, उस सोसाइटी का, ये पूरा का पूरा ना भोपाल पर बेस किया गया है। और क्योंकि मैं खुद भोपाल से हूँ तो मुझे मालूम है कि इस तरह के वहाँ पर स्ट्रक्चर हैं, बिल्डिंग के इस तरह का देखने को मिलता है, पुराना आर्किटेक्चर। तो ये सब बड़ा बाज़ार वहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये छोटी छोटी दुकानें जो पुराना भोपाल है उसमें कुछ कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं। अगर आप कभी गए होंगे तो आपने भी देखा होगा, तो उसी को यहाँ पर रिक्रिएट किया गया है। आर्ट डायरेक्टर ने किया है, बहुत ही अच्छे से किया है। अगेन मैं यही बताऊंगा कि ये पूरी तरह से मजबूत नहीं है जैसे कि सीमेंट का होता है। आप ऊपर देख रहे होंगे तो कोई रूफ नहीं है, और सिर्फ ऐसा दिखाना है इसलिए क्रिएट किया गया है। और ये सब टेम्प्रेरी है, कभी भी इसको डिसमेंटल किया जा सकता है। ये नॉर्मली वहाँ पर जो ब्रिज होता है उसके नीचे जो होता है छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, और ये वो ब्रिज के गेट से एंट्री है अंदर की तरफ। तो उस तरह की पूरी हवेली दिखाई गई है। मैंने पिछले जब आपको फर्स्ट पार्ट दिखाया था उसमें मैंने एक्सटीरियर दिखाया था, थोड़ा सा और भी दिखाऊंगा। ये पुराना आर्किटेक्चर पूरा पूरा। अगेन आप अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो वो सिर्फ एक खाली वॉल है, सिंगल वॉल है, पीछे पूरा पूरा मकान नहीं है कहीं पर भी। दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, जिससे कि दिखे ऐसा कि ओरिजिनल है। बीच में आप जो वो पाइप जैसा देख रहे हैं मोटा, उसको एसी के लिए यूज़ होता है पूरे का पूरा। ये देखिए एसी प्लांट से निकलकर अंदर सेट को पूरा का पूरा कूल करने के लिए रखा जाता है उसको, इससे इजी हो जाता है कि कहीं पर भी मूव किया जा सकता है। ये यहाँ पर आर्ट डिपार्टमेंट का पूरा एक तरह से आप गोडाउन कह सकते हो या वर्कशॉप कह सकते हो, जहाँ पर वो पूरी तैयारी करते हैं। क्योंकि सेट पर कभी भी किसी भी चीज़ की एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है तो सभी कुछ सेट पर ही मौजूद होता है। उसको अगर बनाना है, रिक्रिएट करना है या रखना है तो वो प्रॉप्स भी सारी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर बताते हैं आकर सीन के हिसाब से, उसको फिर आर्ट डिपार्टमेंट पूरा कर देता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। जैसे देख लो भोपाल पुलिस का वो बोर्ड लगा हुआ, तो जब लगाना हो हमको वहाँ पर भोपाल पुलिस का बोर्ड लगा देंगे। अब हम आ गए हैं सेट पर जहाँ पर शूट चल रहा है। सीन ये बर्थडे केक कटना है और फैमिली मेंबर पीछे हैं बैकड्रॉप पे। ये देख रहे हैं ये ट्रॉली है, ट्रैक ट्रॉली बोलते हैं इसको। कैमरा इस पर पूरा मूव होता है तो आपको जो शॉट दिखता है वो जूम इन होते हुए या जूम आउट होते हुए नजर आता है ऑन स्क्रीन। रोल का मतलब आपको बताइए, रोल का मतलब कैमरा ऑन हुआ उसका, जैसे उन्होंने ट्रैक बोला तो ट्रैक मूवमेंट शुरू हुआ और एक्शन पर एक्टर को बोलना। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन अलग अलग लोगों के होते हैं, कभी एक्टर के लिए साइलेंस डिपार्टमेंट साइलेंस रोलिंग। अभी ये जो कैमरा है जो केक है उस पे फोकस है, उस एंगल से फोकस है, और दूसरा कैमरा ट्रैक ट्रॉली पर रखा हुआ है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है कि ज्यादा बॉडी लैंग्वेज लाउड ना हो जाए, नहीं तो अदरवाइज कोई एक जो फ्रेम है उससे आउट हो जाएगा। सीरियल्स में खासतौर से साइलेंट एक्सप्रेशन और होल्ड बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए कोई डायलॉग नहीं है, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक पे जब इस तरह के सीन होते हैं तो अच्छा बिल्टअप मिलता है उस सीन के लिए। ये आ गया समर का के। अगर हम समर के साथ उसका बर्थडे नहीं मना सकते तो क्या हुआ? हम यहाँ पर ये करके करने को बोला गया कैमरा ताकि फ्रेम प्रॉपर हो सके। तो यहाँ पर अगर इंस्ट्रक्शन टेक्निकल डिपार्टमेंट को मिल रही है, डीओपी को मिल रही है, तो भी एक्टर को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। बर्थडे नहीं मना पाएगी लेकिन अच्छी तरह से तो समर का बर्थडे मना ही देंगी। तो दोनों कैमरामैन डायरेक्टर को ध्यान से सुनते हैं, उधर एक्टर का भी ध्यान पूरा का पूरा अपने डायलॉग पर फोकस करते हुए। अरे दरवाजा बंद करना। ये देखिए ट्रैक साइलेंस बैकड्रॉप में दरवाजा खुला हुआ दिख रहा था, उसकी वजह से शॉट दोबारा लेना पड़ता है। तो बहुत बारीक बारीक चीजों का ध्यान देना पड़ता है। तो जब भी आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का सोचें तो ये समझ लें कि आपको बहुत फोकस होकर काम करना है। देखिए लुक देंगे, टर्न और दोनों चीजें बहुत अच्छे से देखिएगा। सर फर्स्ट जस्ट रिएक्ट, व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज, हाउ शी इज कमिंग, रोल रोलिंग एंड एक्शन
लुक पे लुक दिया, देखिए दोनों एक्टर ने लुक दिया, राइट, गेटअप बोला तो वो लोग उठे, सब जिनके एंट्री उनको देखा, लेकिन जिनके एंट्री आप देखे वो कैमरे में नहीं है, सिर्फ लुक दिया है वहाँ पे। कई बार ऐसा भी होगा नहीं पड़ा होगा, तो आपको सीखना है कि आप अपना लुक कैसे मेंटेन रखें, आप अपना प्रोजेक्शन कैसे मेंटेन रखें। ट्रैक इन बोला तो देखिए ट्रैक इन जा रहा है, अभी सिर्फ डायरेक्टर बोले जा रहे हैं और उस पर वो एक्टर के रिएक्शन होंगे, ये ट्रैक इन जा रहा है। अब यहाँ से उन्होंने डीओपी दादा ने बोला कि दादाजी राइट, तो आपको बहुत ध्यान देना होता है। ये दूसरा सेटअप है पीछे की तरफ, ये दूसरी फैमिली का घर दिखाया गया है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वो इसी की डॉक्टर जा रही है। अब ये हैं जो वेडिंग प्लानर जया शर्मा जो कि सृष्टि कर रही हैं, तो ये उनका मतलब ससुराल दिखाया गया है। तो दोनों जो सेटअप हैं बिल्कुल अगल बगल में हैं, एक ही जगह पे हैं, मतलब एक तरफ से दूसरा दरवाज़ा खोलो आप तो उस जगह चले आते हैं। और ये सत्य देवी शर्मा डाइवोर्स लॉयर का बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, नीलू वाघेला जी, मैंने इनका इंटरव्यू पहले भी आपको दिखाया था, उसको देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है वो भी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे समझाया। अब ये जो सेटिंग दादा है जो आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, उनका होता है कि पूरा फ्लोर प्रॉपर रहे, क्लीन रहे, तो लगातार ये काम चलता रहता है। अभी शिफ्टिंग चल रही है इस समय, एक शॉट के बाद दूसरे शॉट की तैयारी। आप देखिए सारे लोग एकदम एक्टिव हैं अपने अपने काम में, और वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि शूटिंग के टाइम पे अगर आपको काम का बेसिक नहीं मालूम है तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर किसी के पास समय नहीं है सिखाने का। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री में जब भी जाएँ बेसिक चीज़ें समझ कर और सीख के जाएंगे तो ही आप प्रॉपर एक टीम का हिस्सा बन पाएंगे। अच्छा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा। ये जो है ट्रॉली के नीचे जो आप लकड़ी के टुकड़े वो लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा कैमरा तो वो हिलेगा डुलेगा या फिर फ्रेम टेढ़ा हो जाएगा। तो ये बनी बनाई जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं ये रहते ही हमेशा और वो रखे जाते हैं। ये कैमरा इस समय आप देख रहे हैं जब सेट किया जा रहा है, उसके नीचे छोटे छोटे स्टूल हैं, इसको जो यहाँ पर पॉपुलर भाषा उसमें पाटला बोला जाता है, बहुत सारे पाटले होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक जितनी हाइट रखनी है उतनी हाइट बढ़ा के उसको यूज़ किया जा सकता है। तो मेरा पर्पस यही है कि इस तरह की वीडियो देखकर आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएं शूटिंग से और आपको ज़्यादा घबराहट ना हो, नर्वसनेस ना हो। ये किचन का सेटअप है, अगेन वही सारी प्रॉप्स रखी हुई हैं ऑलरेडी यहाँ पर, क्योंकि डेली शूट होना है, डेली एपिसोड्स जाने हैं, तो हर चीज़ वहीं पर अवेलेबल रखी जाती है। ये किचन के प्रॉप्स हो गए, अगर आप देखेंगे तो स्पेस इतना है कि अगर एक्टर को मूवमेंट करना हो तो प्रॉपर कर पाए, या कैमरे को जगह चाहिए हो तो मिल जाए। और ये है पूरा एक्सटीरियर जो हवेली है उसका, अगेन आप यहाँ से पीछे से देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में वो दूसरा एक्सटीरियर है, ये जो है आप जो दूसरी तरफ देख रहे हैं वो उसकी वॉल है जो उनका घर दिखाया गया, मतलब ये मायका है और वो ससुराल है, दोनों आगे पीछे हैं। तो ऑन लोकेशन वीडियो में मैं मायके चले जाऊँ घर पर जो हम लोग सेट पर शूट कर रहे हैं, तो राजू देशमुख जी हमारे साथ, वेलकम टू जॉइनफिल्म। राजू आप यहाँ पे कैमरा कर रहे हैं, डीओपी है आप यहाँ पर, तो अभी यहाँ क्या सेटअप लगने वाला है आपका? यहाँ पे नाइट का सेटअप है जहाँ पे सत्या मैम आती है और रमा जी को बुलाती है अकेले में, वो सेटअप। तो अभी आपका राजू एक सेटअप वहाँ चल रहा था जहाँ आप शूट कर रहे थे, तो अभी इसकी तैयारी चल रही, तो ऐसा इन बिटवीन चलता रहता है? हाँ चलते रहता है। तो इससे क्यों मतलब इतनी जल्दी? तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, टाइम बच जाता है। हाँ टाइम बच जाता। अच्छा मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर भी डबल कैमरा सेटअप है और एक दूसरी यूनिट पे भी काम चल रहा है, तो क्या दो यूनिट लगातार काम करती हैं सीरियल में? मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है डबल यूनिट, मतलब स्प्लिट बोलते हैं उसको। ओके, तो उसकी वजह से फुटेज थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है, ज़्यादा मिल जाता है। हाँ अच्छे से सिंगल सेटअप में 12 घंटे की शिफ्ट में फुटेज हो नहीं पाता। ओके, इसके वजह से स्प्लिट करते हैं। राइट, अभी कौन सा कैमरा से आप शूट कर रहे हो उसको? F5 से शूट कर रहे हो। ओके, दोनों कैमरा वही है? हाँ, दोनों सब चारों सेम कलर टोन के लिए? हाँ चारों कैमरा वही है। आपका जो डिपार्टमेंट है राजू भाई, उसके लिए कितना वो हो जाता है, क्योंकि एक सेटअप रेडी है दूसरे को रेडी करना है, और फिर मतलब आप लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक्टर थोड़ा बैठ सकता है, बाकी लोग बैठ सकते हैं, आप लोग नहीं बैठ सकते, तो इस चैलेंज को कैसे मेंटेन करते हैं? करना पड़ता है थोड़ा, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा, अगर सपोर्ट टीम नहीं रहेंगे यूनिट के साथ तो फिर नहीं हो पाएगा। कब से हो आप इस प्रोफेशन में? मेरे को 16 इयर्स हो गए। 16 साल से आप कैमरा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। आपका जो डिपार्टमेंट होता है कैमरा डिपार्टमेंट, कितने लोग होते हैं एक यूनिट में? एक कैमरा डिपार्टमेंट में 4 से 5 जन होते हैं। कौन कौन? जैसे जैसे कैमरामैन, फोकस पुलर, एसोसिएट,
एक आध अप्रेंटिस ओके जब डबल कैमरा रहेगा तो दो फोकस पिलर एक तो वो डबल यूनिट हो गया हर जगह नहीं नहीं हाँ। एक यूनिट में हमेशा डबल कैमरा होता ही है ओके 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 तो उसके हिसाब से दो फोकस पिलर एक एसोसिएट एक आध अप्रेंटिस ओके तो यहाँ जब आप सेटअप जमाओगे कितना टाइम लगेगा आपको अपना लाइटिंग वाइटिंग सब करने में आधे घंटे में हो जाएगा आधा घंटे में हो जाएगा ओके ओके टोटल लाइट्स पेन कितने हैं उसमें आपके यूनिट में मेरी यूनिट में 8 जने 8 जने अच्छा तो मतलब बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ता होगा राइट ओके ये सीरियल कब से कर रहा जब से स्टार्ट हुआ है अच्छा स्टार्टिंग से ही कर रहा ग्रेट ओके थैंक यू बड़ा ही मेहनत का काम होता है डीओपी का भी क्योंकि दोनों तरफ ध्यान देने पड़ते हैं उनको मतलब जब शॉट नहीं चल रहा है तब तैयारी चल रही होती शॉट को जब शॉट चला तो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना होता है तो ये अब अदर फैमिली मेम्बर के जो रिएक्शन लेने हैं उसके शॉट चलना है दादाजी का क्लोज लेना है उनको यहाँ पर सिर्फ देखिए प्रॉम्प्टिंग कर रहा है डायरेक्शन डिपार्टमेंट और वो सिर्फ रिएक्शन ये देखिए उनके सिर्फ रिएक्शन चल रहे हैं लेकिन बहुत लाउड नहीं है और यही फर्क हो जाता है थिएटर एक्टिंग में और कैमरा एक्टिंग में यहाँ पर अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो पूरे प्रॉपर डायलॉग बोल रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ डायलॉग की एक एक लाइन बोल रहे होंगे या उससे मिलती जुलती भी बोलेंगे तो चलेगा लेकिन उनको रिएक्शन देने हैं और हर परिवार का सदस्य जो डायलॉग बोल रहा है अकॉर्डिंग ये देखिए उन्होंने हाथ से बताया लुक है कि कहाँ पर देना है यहाँ पर देखिए एज अ डायरेक्टर एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपको मालूम होना चाहिए ये उन्होंने जो हाथ रखा है ये लुक के लिए है तो आपको कोई एक्टर नहीं मिलेगा रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए आपको कई बार बस लुक बता दिया जाएगा और आपको रिएक्शन देना है तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है ये देखिए उन्होंने लुक चेंज कर दिया तो जहाँ पर वो हाथ दे रहे हैं एक बार हाथ देके छोड़ दे रहे हैं लेकिन उनको प्रेम गुलाटी जी को वही लुक मेंटेन करना है ये उन्होंने बता दिया कहाँ पर तो आप लोग कई बार पूछते हैं ना असिस्टेंट डायरेक्टर का काम क्या होता है देखिए टेक्निकल काम है समझना जानना सीखना बहुत ज़रूरी है देखिए प्रेम गुलाटी जी का लुक चल रहा है ना अब ये दूसरे एक्टर हैं इनका रिएक्शन है इनको सिर्फ उठना था लेकिन उस उठने में भी उनको ध्यान रखना कि फ्रेम का प्रॉपर यूज हो पाए तो मैं माइके चली जाऊंगी सेट पर अब मैं डायरेक्टर सरफराज के साथ वेलकम टू जॉइनफिल्म सरफराज ये जो सीरियल चल रहा है सुबह से मैं देख रहा हूँ शूट है डबल यूनिट चल रहा है जी तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग डबल यूनिट बहुत टफ होता है प्रैक्टिकली एक्चुअली बहुत प्रेशर होता है प्रोड्यूसर का हम पर फुटेज देना पड़ता है 22 मिनट 12 आवर्स पे 14 सीन करना पड़ता है तो हमारे लिए तो बहुत टफ रहता है ये है कि टीम वर्क है हमारे कैमरामैन राजू आलम सबकी टीम वर्क रहती है तो बाकी लाइटमैन स्पॉट बॉय सेटिंग सब टीम वर्क है तभी ये फुटेज निकल पाता है लेकिन सरप्राइज मैं देख रहा था इतना डबल यूनिट का काम चल रहा है फिर भी इतना सब शांति से चल रहा है ये कैसे मैनेज हो रहा है इतना कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया आप लोग एक्चुअली ये सेट का डेकोरम बस समझ लीजिए प्यार मोहब्बत से ही चलते हुए आया सब आपस में प्यार करते हैं इसलिए एक दूसरे की बातें सुनते हैं एक फैमिली जैसी होगी 12 घंटे हम बिताते हैं तो एक फैमिली जैसे हैं सब ओके अभी एक जो डायरेक्शन का डिपार्टमेंट है आपका टोटल कितने लोगों की यूनिट है उसमें 70-65 ये तो टोटल यूनिट हो जी डायरेक्शन डिपार्टमेंट में कितने लोग डायरेक्शन में बॉस मैं और 3-4 असिस्टेंट रहते हैं चार असिस्टेंट इतनी सी टीम से आप ये डबल यूनिट मैनेज कर लेते हैं ओके ग्रेट 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 अभी जब काम चल रहा है हमने देखा था एक शॉट हो रहा है उसके बाद दूसरे शॉट की तैयारी अलग तैयारियाँ तो आप लोग मल्टीटास्किंग लगे रहते एक्चुअली सर ये हमें डेली सोप ने सिखाया इस तरह काम हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आनंद जी वो सिखाए हमें किस तरह प्रेशर में काम करना है उनका प्रेशर दबा रहता है नहीं रहा कि इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं सुबह 9 बजे से काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से सेटअप जब हो जाता होगा पैकअप तो भी आप लोग को 1.5 घंटा लगता होगा नहीं पैकअप के बाद तो हम लोग उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का प्लानिंग रहता है एसपी सुपरवाइजर प्रोड्यूसर ये लोग प्लानिंग करते हैं कितने साल से करो सरप्राइज साहब 2008 से शुरुआत की आपने और अब आप इंडिपेंडेंट यूनिट संभाल रहे जी थैंक्स टू गॉड थैंक यू सर नहीं वो वाला नहीं उसमें भी जो हम लोग मीडिया आकर के मीडिया आके डिस्टर्ब कर रही है नहीं मीडिया ने वो जो सर का फंस गया था देखो कैसे वो सर वो उधर से आ रहा था बोल रहा था यू आर डूइंग दैट सर आप कैंप पे सेलिब्रिटी मार तो चुके हो
सो फ्रेंड्स, ये था ऑन लोकेशन वीडियो आज का। मैं मायके चली जाऊंगा की सेट पर। यहाँ पर जो दो एरिया हैं, दोनों एरिया मतलब ससुराल भी यही है, मायका भी यही है, मतलब दोनों सेटअप आजू बाजू में लगाए गए हैं एक दूसरे के बाजू में, ताकि शूटिंग प्रॉपर हो सके। यहाँ पर डबल यूनिट चल रही है, मतलब एक यूनिट में दो कैमरा, दूसरी यूनिट में दो कैमरा, तो दोनों जगह अलग अलग काम चल रहा है। तो ये आप देखिए कि जब सीरियल में काम करते हैं तो एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ डी ओ पी, आपके पास बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा वर्किंग लोड होता है। लेकिन अगर आप अपने काम को जानते हैं तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। आप लोग को ऑन लोकेशन वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, उससे सीखना अच्छा लग रहा है। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप अपने घर बैठे कम से कम इंडस्ट्री को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जो नॉलेज है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये दूर दूर तक पहुँचे और हम अपने मिशन में कामयाब हो पाएँ। कि हमारा मिशन क्या है कि हमें ऐसा माहौल बनाना है मिलजुल कर, जिससे कि कोई भी अगर इंडस्ट्री में आना चाहता है तो वो खुद या उसके परिवार वाले कभी भी डरे नहीं, भय नहीं खाए। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।